सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रियल क्रिकेट 24 गेम के खेलते हो लेकिन जब भी आप उसे ओपन करने का ट्राई करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती होगी, आपकी गेम जो क्रैश कर जाती है, ऑटो बैन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी गेम को ओपन नहीं कर पा रहे हो। तो आज के लिए मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आप जो अपनी रियल क्रिकेट 24 को गेम को इजीली ओपन कर सकते हो। तो अभी ना किस देरी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा। तो अभी ना किस देरी की वीडियो को इधर पढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें क्या करना होगा, बेसिकली सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐप्स का ऑप्शन देखना होगा, ऐप्स में आने और ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर आओगे उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, रियल क्रिकेट 24 को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो अभी मेरे मोबाइल में जो है रियल क्रिकेट 24 गेम इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको कोई भी ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको सेम ही काम करना होगा उसमें, जैसे यहाँ पर मैंने क्रोम ओपन कर लिया है और आपके जैसे आप रियल क्रिकेट 24 को यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ओपन करोगे तो आपके सामने भी ऐप इन्फो ओपन हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे आपको मिल जाएगा फोर स्टॉप का ऑप्शन, आपको फोर स्टॉप पे क्लिक करके फोर स्टॉप कर देना है, ठीक है। जैसे आप फोर स्टॉप करोगे उसके बाद आपको मिलेगा क्लियर डेटा, इसको क्लिक करके क्लियर कैश करना है और यहाँ से आपको जो इसका क्लियर ऑल डेटा भी एक बार कर देना है, ठीक है गाइस। जैसे आप ये काम कर दोगे उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको चेक कर लेना आपकी रियल क्रिकेट 24 गेम जो है ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी गेम ओपन हो जाती है तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पर प्ले स्टोर पे आने के बाद हमें जो है रियल क्रिकेट 24 को सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर रियल क्रिकेट 24, ठीक है। अब जैसे हम सर्च करेंगे रियल क्रिकेट 24, यहाँ पर अगर आपकी गेम शो कर जाती है, इसमें शो नहीं कर रही है अभी के टाइम में, तो यहाँ पर आप क्या करना है, अगर आपकी गेम यहाँ पर शो कर रही है तो आपको उसे अपडेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप अपडेट कर लोगे तो जो भी इसमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होगा सब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड काम हमें क्या करना है, जितनी भी जब भी आप गेम वगैरह ओपन कर रहे हो उससे पहले आपको चेक करना है जितनी आपके ऐप्स, मतलब जितनी भी आपके बैकग्राउंड में ऐप्स ओपन है आपको सभी को क्लोज कर देना है, ठीक है। हर गेम में आप या फिर हर जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो आपको ध्यान रखना होता है, अगर आपकी बैकग्राउंड में ज्यादा ऐप्स खुली हुई है तो फोन वगैरह लैग इशू होता है आपके फोन में और ऑटो बैक भी कई बार हो जाता है, क्रैश कर जाती है ऐप्स वगैरह जब भी आप ओपन करते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और फोर्थ यहाँ पर चौथा काम हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, अपनी स्टोरेज को चेक कर लेना है। अगर आपकी स्टोरेज फुल हो रखी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर फालतू की ऐप्स और यहाँ पर फाइल्स वगैरह भर गए तो आपको ना डिलीट कर देना, आपको अपनी स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है, ठीक है। बस यही सब काम आपको कर लेना है और जैसे आप ये काम करोगे आपकी रियल क्रिकेट 24 में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।